Hello student, welcome to our YouTube channel BCA Pathshala. So I will be discuss about how to find the mean deviation and coefficient mean deviation from continuous series if find the mean. Okay, so first हमारा जो question है वो continuous series में है, जिसमें हम first of all सबसे पहले mean को find out करेंगे, और जब mean find out हो जाएगी तो उसके बाद में हम आपकी mean deviation and coefficient mean deviation को find out करते हैं. तो चलो इसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहले mean की. तो मेन में जैसा कि हमें पता है हमें x निकालनी होती है. x को हम यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू बोलते हैं. अब इस सेंट्रल वैल्यू को निकालने के लिए सबसे ऑल हमें 0 प्लस 10 करेंगे और उसमें 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू जनरेट हो जाएगी 5. ओके, इसी प्रकार 10 से 20 जब होगा तो यहाँ पर हमारा 15, और 20 से 35 पे यानी कि 25, एंड 30 से 40 होगा तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 35. ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसा कि हमारा एब्सोल्यूट मीन लिखा है, यानी कि जो x है x में से हम एब्सोल्यूट x मीन को घटाएंगे. लेकिन अभी हमारे पास मीन नहीं निकला तो हमें पहले मीन निकालना होगा. तो मीन निकालने के लिए अब f और x का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, तो f इंटू एक्स, ओके ये आपका इंटू है, तो f और इंटू x करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये स्टूडेंट, ये आपका 15, एंड 15 से आप देखेंगे तो यहाँ पे 60, एंड 25, और ये आपका हो गया 70. ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका हम समेशन करते हैं f और x का. ओके, समेशन f x का, इसका जब हम समेशन करेंगे तो इसको ऐड करने पर 170 आएगा हमारे पास, और इसको ऐड करने पर हमारा आएगा 3 और 4 7, 7 और 1 8 एंड 2, आपका कितना हो गया समेशन f इजकल टू 10. ओके, तो अब जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है मीन का, वो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड में, मीन इजकल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ. ओके, तो इसमें अब हम वैल्यू पुटअप कर देंगे. अब इसमें वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो वहाँ पर वैल्यू हमारी क्या आएगी, यानी कि एफ एक्स होगा यानी कि 170, और 170 जो है हमारा 10 से डिवाइड दे दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 17. ओके स्टूडेंट, यानी कि हमारा मीन निकलाया. ओके, तो मीन निकलने के बाद अब हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट मीन निकालते हैं जैसा कि उसमें लिखा भी है. ठीक है, प्रोसेस में. तो एब्सोल्यूट मीन निकालने के लिए हमें x माइनस मीन. ओके, तो इसे निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, x की जितनी भी वैल्यू हैं तो इंडिविजुअली यानी ये आप ये बोलिए कि पार्शली हमको डिवाइड करनी पड़ेगी x मीन से. ओके, तो x यानी कि 5, ओके 5 माइनस ये आपका मॉड्यूलस है. ठीक है, तो 5 और हमारा 17, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा ये हमारा 12. ओके, इसी प्रकार हमारा 4 माइनस 17 तो ये कितना हो जाएगा हमारा 13. इसी प्रकार हमारा 1 माइनस 17 तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 16, और इसी प्रकार 2 सॉरी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 15 आएगा 15, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पे आएगा आपका 2. ओके, और आपका यहाँ पे 25, ओके 25 में से 17 यानी कि 8, ओके एंड 35, ओके 35 माइनस 17 यानी कि 18. ओके, अब 18 हो गया. अब इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें f और समीश और सॉरी एब्सोल्यूट मीन का इंटू करना होगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे इंटू कर लेते हैं इसका. ओके, इंटू करने के बाद हमें इसका समेशन करना होगा, पहले इंटू कर लेते हैं. 12 से हम 3 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36. ओके, एंड हम 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, एंड 8 से हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा ओनली, और 2 से हम 18 में करेंगे तो 36 आएगा फिर से. तो अब इसका हमें क्या कर लेना है, समेशन. ओके, तो समेशन करने पर हमारी जो वैल्यू जनरेट होके आएगी उसी वैल्यू के अनुसार हम क्या निकालेंगे, मीन डेविएशन. ओके, तो 36, 88, 16, 36, 36, 72 एंड 72 यानी कि 80 यानी कि 88. अब हम निकालेंगे, अब यहाँ से देखो एब्सोल्यूट मीन का हमने क्या निकाल लिया, इनटू भी निकाल लिया. ठीक है, यानी कि समेशन. अब हम मीन डेविएशन, जैसा कि मीन डेविएशन का हमारा सेम फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे मीन डेविएशन. ठीक है, मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है,
जो हमारी प्रॉपर्टी है यानी कि 88 यानी कि समेशन एफ एब्सोल्यूट मीन ओके अपॉन में आपका आ जाएगा एफ, ठीक है, समेशन एफ। अब समेशन एफ जो है स्टूडेंट आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू पुटअप करनी होगी 88, ओके 88 में आपको किससे डिवाइड देना है 10 से, ओके। अब 10 से जब आप इसमें डिवाइड दोगे तो 8.8 इसका क्या आएगा मीन डेविएशन। तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, ये आपका मीन डेविएशन, ओके। अब मीन डेविएशन जब आ गया तो अब अगर आपको कोफिशियंट मीन डेविएशन पूछ रहा है क्वेश्चन में तो आप कोफिशियंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो कोफिशियंट मैं इधर निकाल देता हूँ, तो कोफिशियंट मीन डेविएशन, मीन डेविएशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो सिंपल होता है। अब जैसे कि हमने क्या निकाला था यहाँ पे मीन डेविएशन, ठीक है, तो यहाँ पे मीन डेविएशन आप लिख दोगे किस में से निकाला था, कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने मीन लिख दोगे तो मीन कितना है हमारा 17, यहाँ पे पहले मीन, ओके। अब इसे सिंपल आप कैलकुलेट कर लो और क्वेश्चन आपका हल, ठीक है, तो 8.8 अपॉन 17। अब इसे कट करने पर जो आपकी वैल्यू आए यहाँ पर वही आपकी क्या है स्टूडेंट, मीन डेविएशन कंटिन्यूस में, ओके। लेक्चर है यहीं पे फिनिश होता है जिसमें आपने मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट मीन डेविएशन को निकालना सीखा जब आपके पास एक कंटिन्यूस सीरीज थी और उस कंटिन्यूस सीरीज में से आपने मीन को फाइंड आउट किया था फर्स्ट, जैसा कि हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कायदे से। और यदि इसके बावजूद भी आपको अगर कोई दिक्कत आती है इसमें या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी समझ में नहीं आ रही तो आप हमको कमेंट करें, हम आपकी रिप्लाई जरूर देंगे, हो सकता है आपके लिए एक वीडियो भी बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।